नासरी ग्रामीण सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस से मुबारक। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस जमाना के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अकल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, और वो लोग दीन यानी इमाम वक्त और उलमाए हक की अतात से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मठभेर हो वो उन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने का इस शख्स को कयामत के दिन इनाम मिलेगा। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। जिला भर में 10 साल योम तासीस तकरीब जोश और खरोश से मनाए। खुसूसी अहदेदारों की निगरानी में बेहतर इंतजाम अमल में लाए जिला कलेक्टर हनुमत। बरसों गुजरने के बाद भी रियासत की दूसरी बड़ी अकलियत मुसलमान सब्सिडी लोन से महरूम। दीगर तबकात पर हुकूमत की नजरे करम माना फैसला। रविंद्र गुप्ता वाइस चांसलर की क्यादत में तेलंगाना यूनिवर्सिटी फसारे में वाइस चांसलर अपना इस्तीफा दे, तलबा तंजीमों का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना अवाम की बहबूदी बीआरएस पार्टी का अहम मकसद। देश भर में कहीं भी अमल में ना लाई गई फलाई स्कीमात को सीएम केसीआर ने अमल में लाया। एमएलसी के कविता का खिताब। तेलंगाना अवाम की खिदमती बीआरएस पार्टी कारकुनान का अहम मकसद एक अहम फरीसा है। एमएलसी के कविता का बयान। मुल्क भर में आज तक किसी ने हिम्मत ना की हो, आज सीएम केसीआर ने उतने तेलंगाना की तरक्की की। रियासती तरक्की दिए जा रहे फलाई स्कीमात को रियासत की तरक्याती स्कीमात को अवाम में ले जाने की सख्त जरूरत है। मंगल के रोज उन्होंने मातृ मंडल में मुनाकिद किए गए पार्टी मेल मिला प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के हमरा हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए आर्मी में मिले जीवन रेड्डी तरक्याती कामों को बड़े शानदार पैमाने पर मुजाहरा कर रहे जो काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद है कि जीवन रेड्डी गुज़िश्ता इंतखाबात से अब की बार ज्यादा मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल करेंगे। जीवन रेड्डी के सामने अगर कोई जीतने की ख्वाहिश रखता हो तो वो सरासर नादानी कहलाई जाएगी। जीतने की उम्मीद न होने पर दिगर पार्टी वालों की खामोशी ही बेहतर समझी जाएगी। शुरुआत में टीआरएस पार्टी के नाम से मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज वही पार्टी अवाम के दिलों में घर कर गई। इस पार्टी की फैदत में हर गरीब के घर तक कम से कम 3 फलाई स्कीमात को लेकर दरवाजा खटखटा रही। गरीब 10 अफराद की खिदमत करने वाला ही आज सुकून की नींद ले सकता है। नौजवानों की कुर्बानियां ही तेलंगाना रियासत दिए जाने वाली स्कीमात है। नौजवानों की खिदमत ही तेलंगाना तालाबों की भरी भरी पानी की बूंदे। अपनी पार्टी बहुत जिद्द मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। गुज़िश्ता 10 सालों में देश में किसी ने ना की हो कुछ कर दिखाने वाली रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने वाली पार्टी है। रियासत में कुछ ने ख्वाब भी ना देखे हो, लेकिन बीआरएस पार्टी ने इन 10 सालों में कर दिखाया। अवाम की तरक्की ही अहम मकसद है और बेहतर करने की आरजू है। निजामाबाद के 1,33,000 बीड़ी मजदूरों को पेंशन दिया जा रहा, इसीलिए बीड़ी मजदूरों के लिए जिले में ईएसआई अस्पताल की तामीर के लिए रियासती वजीर मल्ला रेड्डी से ख्वाहिश की गई। निजामाबाद में ईएसआई अस्पताल की तामीर से कामारेड्डी जिले के बीड़ी मजदूर भी मुस्तफिद हो सकते हैं।
इसके अलावा बिल्डिंग तामीर मजदूरों की निजामाबाद में तादाद ज्यादा है, उन्हें इंश्योरेंस सहूलत देते हुए उन मजदूरों को भी ताउन देना चाहिए। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, एमएलए जीवन रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, महिला कमीशन फाइनेंस चेयरमैन आकुला ललिता व दीगर मौजूद थे। हर हलके में यौमे तासीस तेलंगाना रियासत के 10वें साल तकरीब को पुरजोश तरीके से मनाए। इंचार्ज ओहदेदारान के जरिए प्रोग्राम को रुबे में लाते हुए तकरीब को कामयाब करे जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतू की मंडल व जिले के तमाम ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना यौमे तासीस के मौके पर 10 साल तकरीब को प्लान के तहत हर हलके में अमल में लाते हुए कामयाब करे जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतू ने मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मंडल के ओहदेदारान को हुक्मनामा जारी किया। हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले इस तकरीब को बड़े पैमाने पर मुनाकत किए जाने पर हर शोबे में प्लान के तहत मनाया जाए। हर प्रोग्राम को एक मुकम्मल खाके के जरिए कामयाब करने के लिए इंचार्जेस को जिम्मेदारी दी जाए और उन पर सही निगरानी की जाए। तमाम प्रोग्राम्स की रोजवारी तफसीलात जिला सतह पर जांच के लिए खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम कायम करें। तमाम कामों की तफसीली वीडियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड फोटोज के जरिए रोजाना शाम 4 बजे के अंदर कंट्रोल रूम तक पहुंचना चाहिए। हर शोबे के उम्मीदवार हर फर्द 10 साल तकरीब में हिस्सा ले। गुज़िश्ता 9 सालों में मुख्तलिफ शोबों की क़यादत में तरक्याती प्रोग्राम से अवाम को मुस्तफ़िद कराया गया। तफसीलात के साथ 1 जून तक फ्लेक्सिस को तैयार कर वाले प्रोटोकॉल के तहत 10 साल तकरीब में अवामी क़ायदीन को प्रोग्राम्स में मदद करें।
एमपीडीओ तहसीलदार के ताऊ से जश्न को कामयाबी तक ले जाने की जिम्मेदारी से काम ली। खुसूसन 3 जून को यौम किसान के मौके पर हर रायतु वेदिका को खूबसूरत ढंग से सजाए। हर गांव से किसानों को इकट्ठा करते हुए बैल पंडियों व ट्रैक्टर्स के जरिए जुलूस का इनेकाद करें। सबसे पहले कौमी गीतों के जरिए प्रोग्राम का आगाज करें। रायतु बंधु रायतु बीमा किसानों के तजुर्बात को अवाम में पेश करें। किसानों के इस मौके पर जल्द आने वाली फायदा मंद फसलों पॉम आई की काश्त के मुतालिक शोर बेदारी लाए और 8 जून को तेलंगाना के तालाबों की तकरीब में हर कौम हर फिरके के अवाम को शामिल करें। ऐसे मौके पर किसी भी नागाली न होने कमी या ज्यादती न होने के लिए मोहतात रहे। 15 जून को पल्ले प्रगति प्रोग्राम को मकामी ग्राम पंचायत पुरजोश तरीके से मनाए। 16 तारीख को म्यूनसिपैलिटी दूध में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए रैलियां वो रंगोली मुकाबले तकरीब कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद करें और 17 तारीख को नए ग्राम पंचायत के अमल में लाए गए 71 तांडों में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को अमल में लाए। इसी तरह मुसलसल 22 जून तक तेलंगाना यौम तासीस तकारीब को मनाया जाए। जिला कलेक्टर ने तफसीली प्रोग्राम पेश किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ट्रेनी एडिशनल कलेक्टर किरण माई दीगर शोबों के ओहदेदार मौजूद थे। सालों बाद भी रियासत तेलंगाना के 50 लाख मुसलमान सब्सिडी खर्च के बजट से महरूम जबकि दीगर तबकात पर हुकूमत की नसे करम माना फैस। क्या मुसलमानों को सिर्फ वादों से बहलाया जा रहा? अहम सवाल। तेलंगाना में सिवाय मुसलमानों के तमाम तबकात के लिए हुकूमत के पास बजट मौजूद है लेकिन मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की की जब बात आती है तो रियासती हुकूमत को बजट की किल्लत का सामना होता है। रियासती हुकूमत धनगरों की आमदनी में इजाफा और उन्हें मवेशियों की तकसीम के लिए अब तक 12,000 करोड़ रुपए के मवेशी तकसीम कर चुकी है जबकि रियासत में धनगरों की आबादी मजमूई तौर पर 3,50,000 है और उनमें अब तक 12,000 करोड़ के मवेशी तकसीम किए जा चुके जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख से ज्यादा है लेकिन उनकी तरक्की वो फलाह बहबूद के मामले में हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि रियासती हुकूमत की जानिब से उन्हें बैंक से मरबूत खर्चे जात की फराहमी के सिलसिले में अब तक बजट जारी नहीं किया गया। हुकूमत तेलंगाना की मुसलमानों से बेएतनाई और उन्हें नजरअंदाज करने की पॉलिसी के लिए सिर्फ मुंतखबा अवामी नुमाइंदे ही नहीं बल्कि महकमा अखिलती बहबूद के दफातर में ब्रजमान ओहदेदार भी बराबर के जिम्मेदार है। तालीम याफ्ता नौजवान हुकूमत की जानिब से सब्सिडी लोन के इंतजार में कई सालों से मुंतजर है और कुछ माह कबल उसके लिए बजट भी मख्तस किया गया और दरख्वास्तें हासिल की गई। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने सब्सिडी लोन की उम्मीद के साथ दरख्वास्तें दाखिल की लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते के नजर होता लग रहा क्योंकि कई माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक लोन की मंजूरी या इजराई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और मुसलमान बियारेस हुकूमत की ऐसी मजबूर पॉलिसी के चलते हुकूमत से नाराज और दूर होती नजर आ रही। कई स्कीमों के जरिए रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ तबके के अफराद को फायदा पहुंचाया गया लेकिन अराजी मख्तस करने का मामला हो या फिर लोन की इजराई का मामला हर मामले में मुसलमानों को सिर्फ वादे और इंतजार के कुछ हाथ नहीं आया जो कि माना कैसे। हर वक्त ट्रैफिक का हुजूम वाली सड़क और चौराहा बोधन बस स्टैंड जहां ट्रैफिक का स्तंभ लेकिन ना ही सिग्नल ना ही डिवाइडर्स जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर का बोधन बस स्टैंड जो कि खदीम बस स्टैंड है और बोधन बस स्टैंड चौराहे पर हर वक्त ट्रैफिक का हुजूम नजर आता है और बोधन बस स्टैंड खिला रोड से भी आरटीसी बसों बड़ी गाड़ियों का गुजर है और बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा लेकिन बोधन बस स्टैंड चौराहे पर ना ही ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही डिवाइडर्स जिसकी वजह हर वक्त यहाँ ट्रैफिक जाम और हादसात का खतरा है। इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगाया गया लेकिन कई बरस गुजर जाने के बाद भी उसका आगाज नहीं हो पाया
और रात के वक्त इस चौराहे पर तारिकी का राज रहता है, तो दूसरी तरफ बोधन बस स्टैंड से देर रात तक मुसाफिरीन मुख्तलिफ मकामात के लिए सफर करते हैं। तारिकी की वजह मुसाफिरीन को सड़का और हादसात का खतरा बना रहता है। जरूरत इस बात की है कि इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल का बाज़ाब्ता और पाबंदी के साथ आगाज किया जाए और शहर के दिगर चौराहों की तरह इस चौराहे पर भी हाइलोजन लाइट्स लगाते हुए इस इलाके को भी रोशन किया जाए। कालेश्वरम बीआरएस जयकारों की मेहनत का नतीजा, तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद, बीआरएस कारकुनों का अव्वलिन फरीसा। माकलूर में मुनाकिदा पार्टी इजलास से बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता का खिताब। तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद बीआरएस फाइटिंग का मकसद और अव्वलिन फरीसा है। बीआरएस पार्टी ऐसी लीडरों की जमात है जो 22 साल से अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमात में मसरूफ है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद के माकलूर मंडल में मुनाकिदा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है और जिस तरह से उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमात का निफास अमल में लाया, इस तरह आज तक मुल्क में किसी ने नहीं किया। बीआरएस पार्टी एक ऐसी जमात है जो हम वक्त अवाम की फलाह व बहबूद चाहती है। उन्होंने वाजे किया कि इसके अलावा उनका कोई दीगर सियासी नजरिया नहीं है, उनकी असल सोच और फिकर सिर्फ अवाम की भलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुल्क में सबसे ज्यादा बेहतर काम अंजाम दिए। उन्होंने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि ये अजीम कारकुनों की जमात है जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुलाबी परचम के लिए वक्फ कर रखी है। रुकन कौंसिल ने कहा कि बीआरएस पार्टी का गुलाबी झंडा थामने वालों का कभी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज बीआरएस पार्टी मुल्क के लिए एक आइडियल बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात के कारकुनों की कुर्बानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट और तालाबों में बहने वाला पानी है। कविता ने मजीद कहा कि अजियत और मुशक्कतें बर्दाश्त करने के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन रहने वाली जमात बीआरएस है। बीआरएस फायद ने कहा कि पार्टी के जिस कारकुन ने भी सख्त मेहनत की है उसे अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। मशवरा दिया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि पार्टी फैल रही है, और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अवाम की हिमायत जरूर बीआरएस को हासिल होगी। डॉक्टर वजीर आला ने कहा कि जिले में 1,33,000 बीड़ी कारकुनों को पेंशन दिया जा रहा। उन्होंने वजीर मल्ला रेड्डी से निजामाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल के खयाम की दरख्वास्त भी की है। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने कहा कि माकलूर मंडल निजामाबाद के बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान से मिलकर उन्हें काफी मसरत हुई है। उन्होंने इस मंडल के अवामी नुमाइंदों की तारीफ की जो 2 दहाइयों से गुलाबी परचम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके। वाजे क्या कि बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो सीएम केसीआर के हदफ तेलंगाना के अवाम की उमंगों शोहदा की कुर्बानियों और प्रोफेसर जयशंकर के उसूलों की तहरीक को लेकर चल रही, और ऐसी पार्टी में हर किसी को मौके जरूर मिलेंगे और अच्छे ओहदे हासिल होंगे। इस मौके पर कविता ने रुकन असेंबली आलमुल जीवन रेड्डी की बेहतरीन खिदमात पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि मकामी एमएलए जीवन रेड्डी अगले इंतखाबात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले ज्यादा अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के दिगर कायदीन जो जीवन रेड्डी के खिलाफ आर्मूर में मुकाबला करना चाहते हैं उनकी मिसाल मैस्मा के सामने बंधे हुए बकरे की तरह है। रुकन असेंबली जीवन रेड्डी की क्यादत में माकलूर मंडल में मुनाकिदा बीआरएस पार्टी इजलास में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी, बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख, कारकुनों को दिलचस्पी से इख्तदार में लाने के लिए मेहनत जरूरी, रियासती कांग्रेस कायद शशिकला यादव रेड्डी का बयान। शहर की कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी टाउन सदर केशव वेणु की क्यादत में अर्बन हल्का मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बोधन निजामाबाद अर्बन हल्का इंचार्ज शशिकला यादव रेड्डी, जिला कांग्रेस सदर माराना मोहन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी सेक्रेटरी गढ़गू गंगाधर भी मौजूद थे। इस मौके पर
शशिकला यादव रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी बीआरएस एक ही सिक्के के दो रूप है। ये दो पार्टियां अंदरूनी मुफाहमत के जरिए अवाम को बेवकूफ बना रही। आईना इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ही बरसर इख्तदार आएगी। पार्टी कारकुन आए दिन पार्टी के कामों में दिलचस्पी से काम करे। पीसीसी सदर रविंद्र रेड्डी को बनाए जाने के बाद से पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब वो मंडल वो डिवीजन कमेटियों को अमल में लाया जा रहा। पार्टी के लिए काम करने वालों को पार्टी के मुनासिब ओहदों पर फैज किया जाएगा। कांग्रेस कायदी नेता के साथ रविंद्र रेड्डी की क्यादत में दिल लगाकर काम करे, मेहनत व जिद्दत से काम करते हुए अलहदा तेलंगाना देने वाले सोनिया गांधी को बरसर इख्तदार तेलंगाना को बतौर तोहफा देंगे। इस प्रोग्राम में रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर आर गोपी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विक्की यादव, ओबीसी सदर राजा नरेंद्र कौट, ब्लॉक कांग्रेस सदर केशव महेश, दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मरी इच्छा अधिकार मरी राष्ट्रम इच्छी तरवा पार्टी तेलंगा प्रजर मैं टीआरएस पार्टी अधिकार जरिए मैं केसीआर एन कामील मैं तुम संवसर कल पूर्तवता डबल बेड्रूम अने इप्डे ग्राम में मैं पूर्तना परस्थित ले कुटो गुड़सलो इंका उड़ेट परस्थि तेलंगा राष्ट्र तरह प्रजु चूं अदे विधा यह मरी ये तेलंगाना इच्छी हामील मरी रईत बंधु मरी दलित बंधु अच्छा दलित बंधु मरी आ रोज एन कामी देशव्याप्त मैं राष्ट्र व्याप्त मत अन्नी निजर्ग मरी दलित बंधु इतना इप्डवर की इच्छी बाबा को मरी बीसी मरी आर्थिक सहाय से इच्छा पैस्थित इवीं तेलंगाना प्रजु केसीआर एलक्षन कोसमें मटल बीजेपी अलागे टीआरएस पार्टी रू कुमुक्काई मरी एलक्षन कोसम मरी जनल मोसम से प्रक्रिया जरूत दाँ प्रजु गमन इच्छा पार्टी का मरी तेलंगा कोसम कांग्रेस पार्टी चुनाव सेवल गुर्तुनीणु युवत महिला मैनारटी अंदर कल राबो एलक्ष कांग्रेस पार्टी गेल मरी अने विषयानी तेलंगा मैं केसीआर तेजन तरह मल्ल एन कौड़ अनौंसा अला विषया प्रजु एवरू नमे परस्थित लेर कांग्रेस पार्टी राबो एलक्षन मरी अधिकार तेलंगाना प्रजलंदरिकी तेलंगाना इच्छी मरी वाली बंगार तेलंगाना अंटे एदो चेसी चूचे सत्ता कांग्रेस पार्टी के उबटी तेलंगाना प्रजलंदरू नियोजक वर्ग में मरी बोधनलो मेदक जिल्लालो निजामाबाद तेलंगाना राष्ट्र व्याप्त प्रजल्लो युवतलो महिलालो मार्पु वस्तुंदी। निशिता डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट गेट टुगेदर पार्टी का एहतमाम, तलबा के लिए जॉब मेले का इनेकार, कॉलेज कोऑर्डिनेटर राजू का बयान। शहर के निशिता डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट ने गेट टुगेदर पार्टी का इनेकार किया। इस प्रोग्राम के आगाज से पहले कॉलेज स्टाफ, कॉलेज कोऑर्डिनेटर के हमरा, कॉलेज फाउंडर आंजानी बुमैया की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए शमा जलाकर खिराजत इधर पेश किया। प्रोग्राम के आगाज के मौके पर तलबा की जानिब से किए गए कल्चरल प्रोग्राम रक्स की सताइश की। इसके बाद काबिल तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। दिगर कोर्सेस में अपना जोहर दिखाने वाले तलबा को कोऑर्डिनेटर राजू के हाथों गोल्ड मेडल वो सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर राजू ने बात करते हुए बताया कि हमारे कॉलेज में तालीम के साथ साथ उन्हें मुलाजिमत के मौके भी फराहम किए जाते हैं। हमारे कॉलेज में अपने तलबा को बेहतर तालीम के जरिए आला ओहदों पर फैज करने में बड़ी मदद की। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर डॉक्टर शेख, प्रिंसिपल डॉक्टर स्वप्ना, वाइस प्रिंसिपल रघुवीर, कॉमर्स डिपार्टमेंट मनोज कुमार, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एचओडी अनिल कुमार बोधिगर मौजूद थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की इज्जत अब खतरे में। रविंदर गुप्ता वाइस चांसलर बनने के बाद से तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हालात बद से बदतर।
यूनिवर्सिटी को करोड़ों का खसारा, वाइस चांसलर की मनमानी, तलबा तंजीमों का एहतजाज। निसमाबाद बिशपल्ली तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चैम्बर में NSUI BVM PDSU तलबा तंजीमों ने धरना दिया। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को फौरन अपनी कुर्सी से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। जब तक वाइस चांसलर का इस्तीफा उन्हें नहीं दिया जाएगा, जब तक वाइस चांसलर का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक यहां से कोई भी ना जाने का नारा लगाते हुए तलबा तंजीमों ने वहां बैठकर धरना मुनक्कद किया। तलबा तंजीमों ने यूनिवर्सिटी का असल रजिस्ट्रार कौन है, एक है या दो है, वाइस चांसलर से सवाल किया। वाइस चांसलर की जानिब से इंचार्ज वाइस चांसलर की नामजदगी पर तलबा ने बरहमी जताई, जबकि प्रोफेसर यादगिरी रजिस्ट्रार का तकरर के बाद फिर से कनकैया को रजिस्ट्रार नामजद किए जाने पर वाइस चांसलर से सवाल किया गया। यूनिवर्सिटी में इसी मेम्बरान की जानिब से तकरर किए गए रजिस्ट्रार को हटाते हुए जबरदस्ती दूसरे कनकैया को नामजद किया जाना VC की मनमानी से तमाम स्टाफ भी बरहमे। इस मौके पर तलबा और VC में बहस व तकरार हुई। इस मौके पर तलबा ने कैंप्स पहुंचकर सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बात करते हुए तलबा ने बताया कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता के मनमानी की वजह से यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही। वाइस चांसलर ऑस्ट्राक EC मेम्बरान के बुलावे पर वाइस चांसलर को धुतकार दे रहे हैं। EC कमेटी की जानिब से तखर किए गए रजिस्ट्रार को निकालकर अपने आदमी को रजिस्ट्रार बनाया जाना वाइस चांसलर की मनमानी से एक यूनिवर्सिटी को दो रजिस्ट्रार कैसे हो सके, तलबा ने सवाल किया। EC कमेटी के बगैर इजाजत वाइस चांसलर करोड़ों रुपयों को खर्च करते हुए मनमानी कर रहे। यूनिवर्सिटी के करोड़ों की धांधलियों पर हुकूमत वाइस चांसलर पर एक्शन लेने का तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया। रजिस्ट्रार के न होने से तलबा को मेमो भी दिए जाने में यूनिवर्सिटी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। यूनिवर्सिटी के इंतजाम पर वाइस चांसलर से पूछे जाने पर उन्होंने तलबा पर गुस्सा करते हुए बताया कि मेरी मर्जी, तलबा को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तलबा ज्यादा बात करने पर पुलिस को बुलाकर आप लोगों को गिरफ्तार कराऊंगा, धमकी दे रहे। हुकूमत के खिलाफ बात करते हुए वाइस चांसलर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मकामी MLA बाजरेडी गोवर्धन, MLC कविता, रियासती वजीर बमला प्रशांत रेड्डी से तलबा ने अपील की कि ऐसे वाइस चांसलर को हटाते हुए यूनिवर्सिटी की हिफाजत की जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनजम करने का इंतबाह दिया। సాగర్ ఎంపీ బాధ్యత మాది. మేము గతంలో కూడా మీ లాంటి కావాల్సే రాజీనామా వేసి స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోయింది. మీరు ఇప్పటి వరకు మొన్న ఆమోది మొన్న ఏమన్నా EC మీటింగ్ EC మీటింగ్ అటెండ్ అయితే అన్నారు, ఇప్పటి వరకు అటెండ్ రెండు ఎందుకు అటెండ్ అయితే లేరు? గత 2 నెలల నుంచి అనుచిత నెలకొంది రిజిస్టర్ ఎవరు అని చెప్పేసి అంతిమాధికారులు ఎవరు, VCA EC అనేది ఏర్పడింది. దీనివల్ల విద్యార్థులు, అదేవిధంగా టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన గ్రామీణ విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సింది. ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రస్థానము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో, ఎందుకోసం తెలంగాణ నేమ్ పైన పెట్టినామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిగ్గుపడే విధంగా ఈ VC అక్రమ నియామకాలు ఒక్కొక్కరి నుంచి 1 లక్ష రూపాయల నుంచి 2 లక్షల రూపాయల వరకు వసూలు చేసి దళితులను, గిరిజనులు, బహుజనులు అందరినీ కూడా మోసం చేసి వాళ్ళని అరాచకం చేస్తున్నాడు. ఇంకా 500ని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటాని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలాగా ఇదే ప్రభుత్వము చక్రాధర్ గౌడ్ అనే సిద్దిపేటనున్న ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి నియమిస్తే అతన్ని జైల్లో వేశారు. మరి ఇతన్ని ఎందుకు వేస్తలేడు? ప్రభుత్వమే నియమించింది కదా, ఇతని పైన ఎందుకు చర్యలు తీసుకుంటలేదు? ప్రభుత్వమే విధానాలను, ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బేకరాజ్ చేస్తున్న ఈ VC తక్షణమే తొలగించాలి. అదేవిధంగా నేను ఉద్యమం చేస్తున్నా అని చెప్పి ఈరోజు వాట్సాప్లలో ఇక్కడ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ లేదు, ఇక్కడ నోటీసులు ఇస్తారు ఏమని అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. అడ్మిషన్లు క్యాన్సిల్ చేసిన భయపడేది లేదు. అదేవిధంగా ఈ VC పైన SC ST కమిషన్ కు, PC కమిషన్కు ఈరోజు నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా. కులాహంకారంతో, దురహంకారంతో ఎవరిని బడుగు బలైన విద్యార్థుల్ని అతను అవమానపరుస్తున్నాడు. ప్రొఫెసర్లను కూడా పిలిచి క్యాబిన్లకు పిలిచి ఇష్టం ఉన్నట్లు అవమానిస్తున్నాడు. ఉద్యమాలు చేయకూడదా?
ఎందుకు సాధించుకున్నాం తెలంగాణ? నీళ్లు, నిధులు, నియమకాలు, నిధులు మొత్తం 40 కోట్ల రూపాయలు సుమారు 2 సంవత్సరాలుగా బడ్జెట్ అప్రూవల్ లేకుండా తన ఇష్టానుకారంగా ఖర్చు చేశాడు. ఇప్పటి వరకు 1 కోటి రూపాయల వరకు అడ్వాన్సులు తీసుకొని जिला भर में 10 साल योमे तासीस तकरीब जोशो खरोश से मनाए. खुसूसी ओहदेदारों की निगरानी में बेहतर इंतजाम अमल में लाए जिला कलेक्टर हनुमंत. बरसों गुजरने के बाद भी रियासत की दूसरी बड़ी अकलियत मुसलमान सब्सिडी लोन से महरूम. दीगर तबकात पर हुकूमत की नजरे करम माना फैस. रविंद्र गुप्ता वाइस चांसलर की खयादत में तेलंगाना यूनिवर्सिटी फसारे में वाइस चांसलर अपना इस्तीफा दे तलबा तंजीमों का एहतजाज. आज के लिए फिलहाल इतना. इंशाल्लाह मस्जिद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी. अब दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.